नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड इन विच कटायन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो यहां पे कटायन है सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस। कंपाउंड इन विच कटायन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद अनायन। यहां पर बेटा 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। दिस कांट बी आवर आंसर। उसी तरीके से बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे तो भी यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं आएंगे, चेक कर लीजिएगा। यहां पर देखेंगे तो भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां आएगा। कैसे आएगा? पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 16 होता है, मतलब एटॉमिक नंबर। तो पोटाशियम प्लस विल बी 18, सल्फर 2 माइनस विल बी अगेन 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, पोटाशियम का प्लस करने से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट, द लाइटेस्ट पार्टिकल इज, लाइटेस्ट सबसे हल्का पार्टिकल, चलिए इसका आंसर बताइए। बोलेंगे बोलिए बेटा। सर अल्फा पार्टिकल लाइटेस्ट है बेटा, वो यहाँ पे इनफैक्ट हेवीएस्ट बैठा हुआ है। सर पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन कोई बताएगा? क्या बेटा? एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बात को समझो, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब एंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एंटी ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन है ये, तो इसका मास वही होगा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब बेटा अल्फा पार्टिकल तो हीलियम 2+ होता है, ये तो काफ़ी हेवी है। प्रोटॉन तो पता होता है उसका मास, न्यूट्रॉन का भी मास पता होता है। बेटा सबसे हल्का कौन होगा बेटा यहाँ पर? अल्फा पार्टिकल में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का कौन है बेटा इन चारों में? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज लाइटेस्ट, इन चारों में इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट है। तो इलेक्ट्रॉन की जगह आप पॉजिट्रॉन लगा दीजिए तो पॉजिट्रॉन लाइटेस्ट होगा। पॉजिट्रॉन के बारे में सिर्फ इतना जानना है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन के एंटी होगा। जैसे मूवी में एक हीरो होता है, एक विलन होता है ना, वैसे ही बेटा इसे भी बेटा एक तरीके का विलन हुआ, इलेक्ट्रॉन का विलन होगा। एंटी इलेक्ट्रॉन इसका कॉमन नाम है, प्यार से लोग इसको एंटी इलेक्ट्रॉन बुलाते हैं। चलिए, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास विल बी, क्या बेटा? The ratio of charge and mass would be greater for, देखो मास नहीं पूछा इस बार, चार्ज बाई मास पूछा है, चार्ज बाई मास पूछ लिया, चार्ज बाई मास। सबको अपना अपना आंसर टाइप कीजिए इसका, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है और थोड़ा डेटा भी ध्यान रखना है, याद रखना है। आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया? हाँ बेटा, थैंक यू बेटा याद दिलाने के लिए। चलिए सबको इसका इसका आंसर निकालिए। आपको आंसर याद नहीं है, मास ऑफ प्रोटॉन याद नहीं है, तो बुक खोलिए, खोल के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह लिख लीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू। बेटा चार्ज लिखेंगे, पहले मास लिख लेते सबका। तो देखो सबसे हल्का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लाइटेस्ट मास होगा उसका। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1, 10 का पावर -31 kg।
अब प्रोटॉन का मास हम लोग को बताना है। तो देखो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से काफी हेवी है, प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से काफी हेवी है। प्रोटॉन का मास बेटा ऐसे समझो कि ये 1.6 याद है ना, उसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6, तो वैसा ही कुछ है। तो 1.6 बाद में आप 7 लगा सकते हैं इंटू 10^-27 kg। तो देखो ये डिफरेंस कितना आया, -31 और -27 बेटा 10^4 का डिफरेंस है, 10,000 का डिफरेंस है, 10,000 का डिफरेंस है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एक चींटी है, इलेक्ट्रॉन अगर एक चींटी है तो ये जो प्रोटॉन है ना बेटा वो हल्क है, हल्क। वो एक बड़ा सा आदमी देखे है ना जिसके मोटे मोटे हाथ होते हैं, वो है अपना हल्क। ये चींटी हुआ तो ये हल्क हुआ। अब बात करेंगे न्यूट्रॉन का मास का। देखो अच्छी बात ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास में थोड़ा सा ध्यान है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास, तो न्यूट्रॉन का मास बेटा जल्दी से बताएंगे। बहुत सुंदर, इट इज सेम एज प्रोटॉन, सेम एज प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो सेम एज प्रोटॉन। अब ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछ ले अब हम लोग को चार्ज लिखना है इसका, इसका चार्ज लिख लेते। तो इसका चार्ज होगा 1 बेटा। क्यों? हम लोग को बेटा रेशियो निकालने बोला है, तो हम लोग रेशियो निकालने समय बेटा मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। यहाँ प्लस सॉरी यहाँ -1 लिख लीजिए, बट हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। यहाँ +1 है और यहाँ 0 है। तो ये तो गायब हो गया रेस से, ये तो टाटा बाय बाय। क्यों? इसका E/m कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। बहुत बढ़िया, इसका 0 आएगा, तो सोचना ही नहीं है। अब प्रोटॉन का E/m, इलेक्ट्रॉन का E/m, प्रोटॉन का E/m हो जाएगा बेटा 1/(1.67×10^-27)। ये प्रोटॉन का हो गया। इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 1/, बोले थे मैग्नीट्यूड खाली कंसिडर करना हम लोग को, 9.1×10^-31। न्यूट्रॉन का तो रेस से बाहर कर दिए बेचारे को हम लोग। इसका बेटा चार्ज कितना है? हीलियम, हीलियम 2+। अब ध्यान से समझिएगा बेटा हीलियम 2+ का मास कितना होगा। समझिए बात को, हीलियम 2+ ऐसे निकलेगा आपका। हीलियम 2+ में कौन कौन है बेटा? हीलियम का बेटा मास नंबर कितना होता है? 4 होता है। हाँ, एटॉमिक नंबर 2। बहुत बढ़िया। तो हीलियम का प्रोटॉन कितना हो गया? 2 हो गया। न्यूट्रॉन कितना हो गया? 2 हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया, जल्दी से बताइए, 2। हीलियम 2+ का 0, 0, 0, 0, 0। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना वो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं जब किसी का वजन निकालना होता है। किसी का वजन निकालना है तो मास कंसीडर नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन का। क्यों नहीं करेंगे? मान लीजिए एक जहाज है, जहाज में बेटा एक हल्क है, एक बहुत बड़ा सा हल्क है। हल्क कौन है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसमें 2-4 चींटी चढ़ जाएगा बेटा तो इस बोट को, इस शिप को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हल के सामने 100 चींटी ले आइए, हल को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? ठीक है, जिनको हल्क नहीं पता बेटा, हल्क मान लीजिए खली है ना, खली को 100 टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हल्क हो जाएगा। अब जिनको खली नहीं पता है बेटा, उनके लिए कोई और एग्जांपल नहीं है, मान लीजिए कि बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है। ठीक है, चलिए तो आप समझिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास में बेटा एटम का मास है, बाकी इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल है, इलेक्ट्रॉन इज लाइक अ चींटी। ठीक है, आप समझिए, तो बेटा इसका मास कितना हो गया, हीलियम 2 प्लस का मास, हीलियम 2 प्लस का मास देखो 4 यहां पर हो गया ना, तो मास ऑफ 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन ये होता है। क्यों? प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के बराबर होता है, तो मास ऑफ 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, तो हीलियम का चार्ज है 2 और मास है 4 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज 1.67 10^-27, तो सबका चार्ज बाय मास लिख लिए बेटा। अब सिंपल है बेटा, सबसे तो बड़ा बेटा हीलियम का मास कितना होगा, 2 प्रोटॉन का मास और 2 न्यूट्रॉन का मास, तो मास ऑफ 2 प्रोटॉन, मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है बेटा, इक्वल है। चलिए, तो अब ये वाला रेशियो आपको देखना है बेटा, किसका बड़ा है किसका छोटा है, तो लार्जेस्ट किसका हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि इसका मास सबसे कम है, तो आंसर इज इलेक्ट्रॉन, आंसर इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया। ये समझ में आया सबको बेटा? ठीक, the charge of electron was discovered by ये जो थॉमसन ने क्या किया था बेटा, नहीं नहीं वो तो प्लैंक पुडिंग था, बट नहीं नहीं वो तो प्लंक पुडिंग था, बट इलेक्ट्रॉन के साथ उसने क्या किया था, तो मतलब अरे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तो प्लंक पुडिंग मॉडल एटम के लिए वो किया था ना, इलेक्ट्रॉन का क्या काम किया था उसने, कैथोड रे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया बेटा, इतना पढ़ाने के बाद इतना पढ़ाए उसके बाद ये हाल बेटा। चार्ज बाय मास का रेशियो बताए थे, और कुछ ध्यान नहीं है बेटा आप लोग? अच्छा, पहला बार एक्सपेरिमेंट उन्होंने ही किया था कि किसी और ने किया था, क्या बेटा आप लोग दुखी कर देते हैं। क्या क्या फिर से बोलिए, फर्स्ट टाइम कौन किया था बेटा, समझ में नहीं आया, टाइप करके जरा बताएंगे, सर बोला विलियम क्रूक, विलियम क्रूक, बहुत सही बेटा, विलियम क्रूक ने अटेम्प्ट किया था, अच्छा अटेम्प्ट था उनका ये पता करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है मतलब एटम के अंदर क्या क्या चल रहा है। चलिए एक बार जल्दी से हम लोग दिखा देते हैं, ये सब बेटा हम लोग हुआ था, यहाँ समझेंगे बात, एटम के बारे में इतनी थ्योरी हो गई थी, डाल्टन जी आ गए थे, डाल्टन ने कुछ कुछ बता के चले गए थे हम लोगों को, ये सब हुआ था। अब स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, मैंने बताया था कि पहले इलेक्ट्रिसिटी आया था, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेटा हम लोग को बहुत दिनों से मालूम था ईल फिश के थ्रू, मतलब हमारे दादाजी, परदादा, उनके दादा, उनके दादा, उनके दादा, उनके दादा, उनके दादा,
मतलब 2000 साल पहले से लोगों को ईल फिश के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मालूम था। फिर हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन आए 1752 में, उन्होंने बोला ये जो बादल में जो लाइटनिंग है वो ही इलेक्ट्रिसिटी है। फिर बैटरी इन्वेंट हुआ था बेटा, ये बैटरी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे ही बैटरी इन्वेंट हो गया तो वोल्टा ने बेटा पहली बार बैटरी इन्वेंट किया, तो लोगों ने फिर बेटा इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट चालू किया। ये वोल्टा साहब है और ये आपके नेपोलियन है, वोल्टा अंकल नेपोलियन को बैटरी अपना समझा रहे हैं। फिर बाद में फैराडे आया और इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट हुआ 1830 में, ठीक है। अब देखिए बात को समझिए, फिर बेटा ये एक आदमी आया, इन्होंने क्या किया था, वैक्यूम पंप क्रिएट किया था। वैक्यूम क्या करता था, हवा बाहर निकालता था। फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए वैक्यूम पंप से, उसमें से एक फेमस एक्सपेरिमेंट है कि ये वैक्यूम पंप को इधर भी घोड़े लगा, ये वैक्यूम क्रिएट करके इधर भी घोड़े लगा दिए, इधर भी लगा दिए, उसके बाद ये फुला नहीं, तो वैक्यूम का बहुत पावर था। उसके बाद रॉबर्ट बॉयल ने भी इस वैक्यूम पंप का यूज़ करके बॉयल्स लॉ प्रपोज किया था। फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एयर एंड नियर वैक्यूम। तो डिस्चार्ज ट्यूब ये ऐसा दिखेगा जब ये पार्शियल वैक्यूम है, ये ऐसा दिखेगा बेटा जब आप प्रेशर को बढ़ाते जाए कम करते जाएंगे। अल्टीमेटली बेटा यहाँ पर ये वाला कौन सा स्पेस आया था बेटा, फैराडे डार्क स्पेस आया था, फैराडे डार्क स्पेस था। और बेटा अगर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो डार्क स्पेस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। विलियम क्रुक ने एक ऐसा ट्यूब बनाया जहां प्रेशर एकदम कम हो गया, 10^-6 atm हो गया। तो ये जो बना यहाँ पर देखो डार्क है, पूरा पूरा डार्क है, ग्लो सिर्फ यहाँ पर है, एंड में है, ग्लो सिर्फ एंड में है। ये देखिए दिखा, कैथोड रे का पहला एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया था। थॉमसन ने कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट नहीं किया था पहली बार। अब बताइए थॉमसन ने क्या किया था बेटा, कैथोड कैथोड रे का मास पता किया था। कैथोड रे का मास नहीं, ये बताया था कि कैथोड रे जो होता है उसके पास मास है, वो पार्टिकल नेचर एग्जिबिट कर रहा है, और उन्होंने कैथोड रे को एक्सप्लेन किया था। ही डिड नॉट डिस्कवर कैथोड रे, ही एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे का काम जो है ना बेटा, जब वो आपके थे ना क्या नाम है थॉमसन अंकल स्कूल में ना, तब से लोगों को कैथोड रे के बारे में मालूम था। वट पीपल वॉज अज्यूमिंग दैट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ लाइट, जन लोगों को लगता था ये लाइट है, बट ये एक्चुअल में लाइट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। जे जे थॉमसन ने सिर्फ इतना पहली बार किया कि जे थॉमसन प्रूव दैट कैथोड रे हैव मास, हेंस दे आर नॉट लाइट रेज, दे आर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। थॉमसन का ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ही प्रूव दैट कैथोड रे हैव मास। चलिए तो वापस आते हैं, हाँ अच्छा चलिए इसको खत्म ही, थोड़ा सा आगे बढ़ के वहां चले ही जाते हैं मिलिकन के पास। फिर बेटा ये सब हुआ, उन्होंने बाकी सब चीज अपना एक्सप्लेन किया। उसके बाद कहाँ गया, हाँ थॉमसन ने बेटा चार्ज बाय मास का रेशियो कैलकुलेट करके बताया। फिर मिलिकन ने बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया। थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन अंकल ने बताया ई बाय एम, इसको क्या हो गया, थॉमसन अंकल ने बताया ई बाय एम चार्ज बाय मास, और मिलिकन अंकल ने बताया ई। तो हो गया, अब ये रेशियो मालूम था हम लोगों को। अब मिलिकन अंकल ने जैसे ई बताया, थॉमसन अंकल ने प्लेस किया और चार्ज निकाल, ये मास निकाल के बता दिया। चलिए तो ध्यान रखिएगा, थॉमसन अंकल ने बेटा चार्ज बाय मास बताया था, थॉमसन अंकल ने चार्ज बाय मास बताया था। तो काफी लोग सही आंसर दिए थे, मिलिकन है बेटा।
ठीक है, और थॉमसन अंकल ने E by M बताया, E by M, और मिलिकन अंकल ने E बता दिया। चलिए आगे बढ़ते, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। डिमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज सिमिलर टू डायमेंशन ऑफ, चलिए ये करके बताइए। डायमेंशन समझ में आता आप लोगों को? अच्छा ये बताएंगे बेटा, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है बेटा? चलिए बढ़िया, चलिए बेटा ये फिजिक्स में है डिमेंशन, ये प्रवीण सर करा दिए होंगे या कराएंगे, ठीक है समझे। डिमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट हो गया ना, फिर तो पता है। तो यहाँ हम लोग डायमेंशन के पीछे नहीं जाएंगे, यहाँ हम लोग बोलेंगे यार डायमेंशन बराबर है तो यूनिट भी बराबर होगा। डायमेंशन सेम मतलब यूनिट भी सेम, तो डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज सिमिलर टू डायमेंशन ऑफ, भूल जाइए डायमेंशन, यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। एग्जामिनर को थोड़ी ना मालूम चलेगा कि हम लोगों ने डायमेंशन की जगह यूनिट बोल के सॉल्व किया है, उसको नहीं बताना है। चलिए बताएंगे, यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज सिमिलर टू, देखिए यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एच मतलब ये क्या होता है, जूल सेकेंड होता है। आप देखो ये जूल इंटू सेकेंड है, बेटा बेटा क्या है मतलब एनर्जी इंटू क्या टाइम, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी होगा, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये वेव नंबर क्या होता है बेटा, वन बाय लैम्डा होता है, मतलब वन बाय डिस्टेंस, ये भी नहीं हो सकता है, या लेंथ। अब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अब बोलेंगे सर एम वी आर मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस है तो इसका यूनिट निकालना होगा, इसका मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा या आप लोग से पूछूंगा, आप लोगों से पूछूंगा। इसका आपका बेटा मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, मास into velocity into radius मतलब distance by time into distance, यही होगा, यही होगा। अब देखो ये जो energy into time है बेटा, ये जो energy into time है इसका क्या हो जाएगा बेटा, energy का बेटा क्या होता है, mass into डिस्टेंस होता है, क्या होता है या फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है बेटा, एम एल स्क्वायर, ठीक है मास, देखिए ये बता रहे एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू होता है इनटू टाइम, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर इनटू टी का पावर माइनस वन बेटा, देखिए होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मास है, डिस्टेंस स्क्वायर है, बाय टाइम है, यहाँ पर भी मास है, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिएगा और बाय टाइम होगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू बाय टाइम। चलिए ये तो अब मतलब दोनों बराबर हो गया, इसमें हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया देखने में बेटा, इसका ये पूरा कन्वर्ट करके इसमें ला के फिर इसमें ला के। आप मुझे इसे शॉर्ट तरीका बताइए कैसे आपको तुरंत मालूम चल जाएगा, विद इन 5 सेकंड मालूम चल जाएगा, सोच के बताइए। सर n into h by 2 का अगर करेंगे तो बहुत बढ़िया बेटा, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू क्या था बेटा, n h by 2 पाई। अब ध्यान से समझिए, n का यूनिट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नो यूनिट, n इज एन इंटीजर, 2 पाई का यूनिट नो यूनिट, तो मतलब इसका जो यूनिट है और इसका जो यूनिट है दोनों का यूनिट बेटा सेम आएगा, बस बहुत सुंदर बेटा, जो जो ऐसे किए बहुत सुंदर बेटा, ये देखते ही मालूम चल जाएगा कैसे, फॉर्मूला से इसका जो यूनिट है इधर भी यही होगा। चलिए नेक्स्ट, मिनिमम नंबर
ये वाला वो क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम हॉल में टाइम बचाएगा। दिस इज अ बेटा, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं, ये डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं। चलिए, अच्छा चैट में आप लोग आंसर भेज रहे थे ना, अब ही जब देखेंगे। चलिए कौशिकी बेटा, आपने आंसर दे दिया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना विच प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। क्या बेटा? अच्छा मिनिमम है, मिनिमम। हाँ थैंक यू थैंक यू, मिनिमम मिनिमम। नहीं बेटा, एक मिनट, डिसेबल तो नहीं किए थे। अच्छा हाँ हाँ अब हो गया, इनेबल कर दिया बेटा। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर जल्दी जल्दी सबको ही बताइए। यही होता है बेटा, अपना जो लाइट एमिट होता है बेटा, वो पार्टिकल की तरह एमिट होते हैं। ये इस तरीके से एमिट होता है। एक और थ्योरी है एमिशन का, वेव थ्योरी है एमिशन का, एक और थ्योरी है, एंड दैट इज वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कंटिन्यूसली एमिट होगा, वो एक साथ हमेशा एमिशन चालू रहेगा उसका, जैसे कि ये, ठीक है। तो हम लोग को पता है, ऊपर वाला सही माना जाता है। देखो दोनों सही होते हैं बेटा, ये वाला कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है, ये वाला कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है। ये क्या एक्सप्लेन करता है बेटा? ये वाला क्या एक्सप्लेन करता है? वेव नेचर एक्सप्लेन करता है। वेव नेचर से क्या एक्सप्लेन होता है? कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन हुआ है बेटा आज तक? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। बहुत सुंदर बेटा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये तीनों एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको वेव नेचर लेना होगा, और ये पार्टिकल नेचर से क्या एक्सप्लेन होता है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किए थे, उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और उसके बाद क्वांटम इफेक्ट। ब्लैक बॉडी करा देंगे, मिस हो गया है, क्वांटम बोले थे बेटा अपने सिलेबस के बाहर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कितना क्वेश्चन कर लिए हम लोग उसके पीछे। चले, मिनिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, मान लेते हैं लैम्डा इसका 4000 एंगस्ट्रॉम है, मान लेते हैं। तो ऐसे कितने लोग ऐड करेंगे? देखो एक का एनर्जी बेटा 1 जूल नहीं होगा, वन विल नॉट हैव एनर्जी 1 जूल। एक का तो एनर्जी बहुत कम होना है, बहुत सारे मिलाएंगे तो 1 जूल होगा। तो एनर्जी विल बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा फॉर वन फोटोन से होगा नहीं। तो एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल ईएन मान लेंगे, ईएन मानेंगे तो आप लोग गलत समझेंगे। ई इज इक्वल टू
एन एच सी बाय लैमडा फॉर मेनी फोटोन फॉर एन फोटॉन्स। अब इसमें डाल के सॉल्व करते हैं तो इंप्लाइज दैट 1 जूल इज इक्वल टू एन इंटू एच का वैल्यू प्लेस कीजिए, सी का वैल्यू प्लेस कीजिए, लैमडा का वैल्यू प्लेस कीजिए, इसका सबका वैल्यू हम लोग को मालूम होता है, एन अपना आ जाएगा। तो एन विल बी 1 × λ / h × c, प्लेस कीजिएगा आंसर आएगा। चलिए बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया है बेटा, सबने फर्स्ट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, सबने आंसर दिया है फर्स्ट दिया, जितनों ने भी दिया बहुत सुंदर। बाकी लोग बेटा क्यों नहीं बनाए, इसका सिंपल सा आंसर है n इज इक्वल टू लैमडा बाय एच सी। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट, फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 6 eV आर इंसिडेंट पोटेशियम सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन इतना, व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किए थे बेटा, तो हम लोग ये माने थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको एनर्जी देने से वो अपना मेटल को छोड़कर बाहर आ सकता है, ये हम लोग को मालूम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेना किसने एक्सप्लेन किया था बेटा, क्या बेटा, अरे बोलिए, हु एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सब तो कराया हुआ है बेटा, अरे किसी को नोबेल प्राइज मिला इसके लिए, फिर सब भूल जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन सर को नोबल प्राइज दिया गया था। ठीक है, ये होता अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक फोटोन आता है एनर्जी लेकर और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, भगा देता है। तो ये जितना एनर्जी लेकर आया, ये जितना भी एनर्जी लेकर आया इस तरफ दिया, वो एनर्जी बेटा कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल को मिलता है, कुछ ये मेटल है आपका, ये मेटल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन दूंगा उसके बदले एनर्जी दो। तो ये मान लेते हैं बेटा 20 जूल लेकर आया, ऐसा हो सकता है कि 12 जूल मेटल रख लिया, बाकी 8 जूल बेटा काइनेटिक एनर्जी की तरह चला जाता है। अगर 30 जूल लेकर आएगा तो बेटा ये अपना नहीं बढ़ाएगा, ये 12 का 12 रहेगा, ये बाकी 18 यहाँ चला जाएगा। ये अगर 40 जूल लेकर आएगा तो ये 12 रहेगा, ये 28 हो जाएगा। एक्स्ट्रा एनर्जी जो लेकर आता है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह निकल जाता है। तो अब पूछा है, ध्यान से समझिएगा बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, किसी से बना है बेटा तो आंसर भेजिए, कोई बनाया है तो आंसर भेजिए बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन, समझेंगे। ये मेटल है, यहां से लाइट आया, कितना एनर्जी लेके, 6 eV लेके, 6 eV लेकर आया, 6 eV लेकर आया। ये कितना रखने वाला है मेटल, 2.1 रखने वाला है। तो ये कहाँ जाने वाला है, काइनेटिक एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन भागने वाला है। कितना काइनेटिक एनर्जी ले जाएगा, 6 - 2.1, दिस इज इक्वल टू बेटा 3.9 eV। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप समझो बात को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सबका 3.9 आया बेटा। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन
इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से समझो, ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया तो यहां पर समझेंगे बात, यहां पर एक प्लेट रखा हुआ है, ये प्लेट जो है नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन मजे में इधर आ रहा है, बड़ा खुशी खुशी हैप्पी हैप्पी, अरे मेरे पास 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मेरे पास 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हल्ला करते हुए आ रहा है। ये सोच रहा है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत सारा है, ये हमेशा घूमता रहेगा, इस तरफ जाता रहेगा। बट इसको क्या पता था, ये नादान था, इसे ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, थोड़ा और आगे गया, पर इसके बाद बेटा ये रुक जाएगा, फिर चुपचाप वापस चला आएगा। क्यों? ये ले गया बट यहाँ पे इसने रिपेल कर दिया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये जो रिपेलिंग वोल्टेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो बेटा हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज, ये होता है। तो हम लोग को बेटा बोला है स्टॉप कराना है, हम लोग को क्या बोला है, स्टॉप कराइए, रोक दीजिए इसको, रोकिए। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी अभी कितना है, 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको रोकने के लिए सर काइनेटिक एनर्जी को कितना करना होगा, जीरो करना होगा, मतलब व्हाट शुड बी द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस काइनेटिक एनर्जी शुड बी लॉस्ट। व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसलिए ई यूज करेंगे, कूलम में यूज नहीं करेंगे। व्हाट शुड बी द वोल्टेज, ऑनली वी, तो ई कट जाएगा, 3.9 वोल्टेज आएगा। अब क्योंकि रिपेल कराना है इसीलिए माइनस चार्ज में रहेगा, अगर गेन कराते तो प्लस चार्ज में वोल्टेज रहता। इसमें किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा। द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल इज इतना, इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विल बी, हम लोग बेटा जानते हैं एच सी बाय लैम्ब्डा, मतलब एनर्जी इंसिडेंट, हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग को मालूम है। एनर्जी इंसिडेंट क्या होता है बेटा, जो लैम्डा आया ना मेटल पे, जो लैम्डा गिरता है ना बेटा मेटल पे, जो लाइट का लैम्डा आएगा उसी को, वही जो लाइट लेकर आया फोटोन, वही है एनर्जी इंसिडेंट, जितना एनर्जी लेकर आया। तो दिस विल बी एच सी बाय लैम्डा, this will be equal to 5 plus kinetic energy of ejected electron. हम लोग डिस्कस किए थे बेटा कि लैम्डा अगर बहुत बड़ा होता है, इफ लैम्डा इज लार्ज,
तो एनर्जी विल बी लेस, बहुत बढ़िया, स्मॉल, बहुत बढ़िया। तो लैम्डा बहुत छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अगर एनर्जी, हाँ एनर्जी बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। तो देयर इज सर्टेन एनर्जी जो आपको देना पड़ेगा। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू जस्ट इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन? सो दैट विल बी कॉल्ड फाई। इससे कम एनर्जी दीजिएगा ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएगा। इससे कम एनर्जी आप नहीं दे सकते, इतना आपको देना पड़ेगा। जब सिर्फ इतना ही एनर्जी दीजिएगा, बस इतना ही दीजिएगा, उस समय काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो। उस समय बेटा जस्ट निकला है इलेक्ट्रॉन, जस्ट 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 इलेक्ट्रॉन बाहर आया है और कुछ नहीं किया, बस बाहर आया बेचारा, तो उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। आपसे बोल रहा है कि उसी समय जो यूज हुआ है वेवलेंथ, जरा वो बता दीजिए। उस समय जो वेवलेंथ यूज हुआ है वो बता दीजिए। देखिए ऐसा कुछ हो रहा है, आया बस इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और कोई काम नहीं किया, बस बाहर निकल के आराम कर रहा है, सो रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, बस रेस्ट कर रहा है, रेस्ट फॉर इटर्निटी। इस समय इसका लैम्डा कितना है उसी को बोलेंगे कट ऑफ वेवलेंथ। ध्यान से समझिएगा, उसी को बोलेंगे कट ऑफ वेवलेंथ। और उसी समय जो फ्रीक्वेंसी है बेटा उसी को बोलेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी दोनों को बेटा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। यही है आपका कट ऑफ वेवलेंथ, यही है आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर बेटा आप लगाएंगे कि एच सी बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू फाइव और H into mu naught is equal to 5। यहाँ पर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जस्ट जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जस्ट जीरो है, किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा यहाँ पर। नहीं डाउट है, चलिए बनाइए, जिसको नहीं, जिससे नहीं बना है, जिनसे नहीं बना है इसको बनाइए, बाकी लोग से बन गया होगा मुझे पता है, बट जिनसे नहीं बना बनाइए। कौशाली, दीपान्विता, तनीषा, आप लोग का सही है बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बेटा जिनसे नहीं बना प्लीज बना के आंसर दीजिए बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, भेजिए, जिनका बन गया मैं देखता हूँ।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत लोग का आंसर आया। आदित्य सिन्हा, दिव्यांशु ओझा, शेफाली, अंशुमन, रितिका, मोसुआ, उसके बाद आदित्य प्रसाद। बहुत बढ़िया बेटा। श्रद्धा बेटा आपका भी सही है। संदीपन बेटा आपका भी सही है। चलिए बेटा ये बन जाना चाहिए, इसमें अब कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको। वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट एच इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू फाई। अब बेटा फाई को आपको ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, इसको आपको किसी भी हाल में बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्लेस नहीं करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। आपको इसको जूल में प्लेस करना है, या दूसरा ऑप्शन है। हाँ बेटा एक, हाँ बोलिए बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए समझेंगे बात को। अपने पास दो ऑप्शन है बेटा, यहाँ पे ध्यान देंगे। कुछ लोग बेटा पता नहीं कैसे किए होंगे, ये नॉर्मली जूल में होता है और ये फाई आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। दोनों तरफ बेटा एक ही चीज़ होना चाहिए, इधर जूल है तो इधर भी जूल हो, या इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। आप समझेंगे बेटा एच का वैल्यू क्या होता है, 6.26 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ये होता है बेटा। एच का एक और वैल्यू हो सकता है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा कैसे निकालेंगे एच का वैल्यू बेटा, बताएंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन मालूम है बेटा आपको? हाँ सर। क्या होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹। बहुत बढ़िया, हम लोग को मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹। एक्चुअली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो आई कैन सिंपली राइट एच इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे इससे या डिवाइड करेंगे इससे बेटा? डिवाइड। चलिए बहुत बढ़िया, 3.9 × 10⁻¹⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो अब मैं, आप लोग किए होंगे जूल से, मैं ऐसे कर लेता हूँ एच इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू फाइव। एच मान लेते हैं 3.9 × 10⁻¹⁵, म्यू नॉट पता नहीं है, वही तो खोज रहे हैं, उसी की तलाश जारी है। दिस इज 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको म्यू नॉट मिल गया, म्यू नॉट आएगा 3.3 × 3.9 × 10⁻¹⁵। सॉल्व करेंगे, आंसर आपका 8 आ रहा है, जैसा कि बाकी लोग बता रहे हैं ये आएगा। ऐसे भी बेटा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 10 का पावर मैच नहीं किया, 10 का पावर मैच नहीं करेगा तो नहीं होगा। चलिए बेटा इसको जल्दी से बनाइए। इस बार बेटा सेम चीज़ है, बस इस बार लैम्डा नॉट पूछा है, इस बार एग्जैक्टली सेम चीज़ है, इस बार लैम्डा नॉट पूछ रहा आपसे। अच्छा ऐसे भी तो कर सकते थे बेटा, बन रहा होगा बट प्रैक्टिस कीजिए तब जाके फार्मूला वगैरह याद रह जाएगा, अदरवाइज होता क्या ना, बन तो जाता है बट फार्मूला वगैरह प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो याद नहीं रहेगा।
सही है कौशिकी बेटा, दीपान्विता, दिव्यांशु, सही है। रितिका बेटा आपका भी सही है, बहुत सुंदर। तनीषा बेटा आपका भी सही है। पढ़ते रहिए घर पे बेटा, थोड़ा सा अच्छा कीजिएगा ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। और ऐसे भी समझिए चीज़ों को बेटा, अभी बहुत सारे बच्चे होंगे ना, आजकल फोन मतलब वो हो गया ना, घर में बैठे बैठे सब कोई, पहले घर में झगड़े कम होते थे, आजकल घर में झगड़ा बहुत ज़्यादा होता होगा, सुबह शाम आपको लगता होगा मम्मी बोल रही है खाना खा लो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, मतलब अपना कोई टाइम ही नहीं मिलता होगा बहुत लोग को। तो उस टाइम पे पढ़िए, झगड़े कम कीजिए। और जो लोग इस बात से परेशान रहते हैं ना कि सब काम हर समय डांट मिलता रहता है, हर समय बोला जाता है ये करो वो करो, ऐसे क्यों बैठो वैसे क्यों नहीं बैठो, ढंग से बैठ के पढ़ो, बेड पे क्यों पढ़ रहे हो, टेबल पे बैठ के पढ़ो, बिना कॉपी के क्यों पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, बेटा ऐसी चीज़ों को समझिए कि अगर आपका थोड़ा सा अच्छा रैंक नहीं आया, मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़िया नहीं हो रहा है, रैंक खराब है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है आपके पेरेंट आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए बाहर भेजेंगे नहीं भेजेंगे? वो बोलेंगे बेटा यहाँ आस पड़ोस में है, वह तो यहाँ से बगल में से कुछ पढ़ लो, BSc कर लो, MSc कर लो, कुछ भी कर लो, घर के बाहर नहीं जाना है। तो ऐसे समझो बेटा, अगले 4 साल तक वही काम होगा, सुबह स्टार्ट होगा और शाम को बेटा एंड होगा, वही बात सुनकर खाली, सुबह से लेके खाली डाटा डांट मिलेगा आपको। आप सोच रहे हैं कि मतलब हमेशा बोला जाता होगा 2 बज गया खाना क्यों नहीं खाए, ये क्यों नहीं किया, 11 बज गया कोई नहाया क्यों नहीं। अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा बेटा, हॉस्टल में रहिएगा, मजा आएगा 4 साल, वरना फिर घर पे बैठ के BSc MSc और यहाँ अड़ोस पड़ोस के कॉलेज से पढ़ाई कीजिएगा। आपको ये मैं सही बता रहा हूँ, आपको लग रहा है आपके पेरेंट बाहर भेजेंगे, अच्छा कॉलेज में नहीं होगा कोई नहीं भेज रहा कोरोना में, बोले घर पे रहो शांति से, फालतू का पैसा वेस्ट नहीं करना है। चलिए बेटा सेम सिमिलर क्वेश्चन है, HC/λ0 इज इक्वल टू 5 इस्तेमाल होगा, क्यों? क्योंकि अपने को λ0 चाहिए। इस बार क्या बोला है, टू एमिट अ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ 0 वेलोसिटी, मतलब काइनेटिक एनर्जी को 0 मानिए, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज, तो λ0 इज इक्वल टू H×c/5। 5 दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच को प्लेस करेंगे, सी को प्लेस करेंगे, अपना आंसर आएगा। एच का वैल्यू अभी अभी हम लोग किए थे, एच का वैल्यू बेटा 2 था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था और 1 जूल में था। हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला यूज करेंगे, 3.9×10⁻¹⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हम लोग सी को जानते हैं, 3×10⁸ होता है, 5 तो हम लोग को मालूम है, दिया हुआ है कितना 4 इलेक्ट्रॉन, ये m/s है। अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड होता है बेटा, ठीक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड होगा, तो लैम्डा आ जाएगा आपका 3.9×10⁻¹⁷×3×10⁸ सॉल्व कीजिए, ये मीटर में आएगा। तो ये सब कुछ कटम कुटुम करना पड़ेगा, 3.9×3×4,
ठीक है, ये 11.7 बाई 4 इंटू 10 का पावर माइनस 7 मीटर। सॉल्व कीजिएगा बेटा, आपका आएगा 3.1 10 का पावर माइनस 7 मीटर। हम लोग को एंगस्ट्रॉम में निकालना है, तो 3100 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। 10 का पावर 10 माइनस 10 मीटर को ही एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 10 मीटर, ये होता है। चलिए आदित्य सिन्हा, सायनदीप, श्रद्धा, मोसुआ, तनीषा, रितिका, दिव्यांशु, दीपान्विता, इनका तो नाम ले लेते, सबका सही आंसर बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा, अब बोर्स एटॉमिक मॉडल की बात होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम वेवलेंथ। बेटा याद रखो, ये होता है आपका n इज इक्वल टू 1, ये होता है n इज इक्वल टू 2, ये होता है n इज इक्वल टू 3, ये होता है n इज इक्वल टू 4। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बेटा, एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है, कम होता है। तो सबसे मिनिमम एनर्जी डिफरेंस, हाँ बेटा, हाँ बेटा ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी तो हो नहीं रहा था। चलिए N4 से N1 बेटा, N4 से N1, ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, दिस इज ऑप्शन नंबर 1। N2 से N1, दिस इज ऑप्शन नंबर 2। तो कितना आसान है बनाना ऑप्शन नंबर 2। N4 से N2, दिस इज ऑप्शन नंबर 3। N3 से N1, दिस इज ऑप्शन नंबर 4। अब इसका आंसर बेटा बड़ा आसान है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। मिनिमम वेवलेंथ है ना बेटा, मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी होता है। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्स एनर्जी। एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द शॉर्टेस्ट लैम्डा फॉर लाइमन सीरीज इज, व्हाट इज लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज ऐसा सीरीज है जिसमें बहुत सारे लेवल्स से इलेक्ट्रॉन बेटा मिट गया। यार ये भी तो गजब परेशान करता है। लाइमन सीरीज बेटा कहीं से भी कहाँ आएगा, कहीं से भी बेटा 1 पे आएगा। इसका आंसर मैंने बोला था बेटा, सबको रट्टा मार के रखिए, ये वाला आंसर जरूरी होता है। पता नहीं कितने लोग रट्टा मारे होंगे। चलिए देख लीजिए इसको, लाइमन सीरीज में बेटा ये आपका 2 से 1 हुआ, ये 2 से 1 हुआ। लाइमन सीरीज में कहीं से भी बेटा कहां पर आएगा, n इज इक्वल टू 1 में आएगा। फिर लाइमन सीरीज में ये भी लाइमन सीरीज है, ये भी लाइमन सीरीज है, ये भी लाइमन सीरीज है। बेटा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, शॉर्टेस्ट लैम्डा पूछा है।
हाँ बेटा वन होगा, बहुत बढ़िया। शॉर्टेस्ट लैम्डा, तो बेटा याद कीजिए इसका वेवलेंथ कितना आया था बेटा, 91 नैनोमीटर, और इसका, हाँ और इसका वेवलेंथ कितना है बेटा, 121 नैनोमीटर। तो इसका वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा, 910 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये शॉर्टेस्ट लैम्डा हो गया, दिस विल बी शॉर्टेस्ट, और ये लॉन्गेस्ट लैम्डा हो गया। बोले थे ना याद रखिएगा तो एकदम फटाफट आंसर आएगा। देखिए यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ सीधा 91 आपको प्लेस कर देना है। अब जिनको याद नहीं है वो कैसे करेंगे, जिनको याद नहीं है बेटा उनके लिए फिर सॉल्व करना है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगा, जब इन्फिनिटी से वन पे आएगा। तो आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, रिडबर्ग का एक फार्मूला है, 1 बाय लैम्डा N2 से N1, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम N2 टू N1 इज इक्वल टू RH जेड स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। ये करना है, इसको सॉल्व कीजिएगा, N2 को इन्फिनिटी प्लेस कीजिएगा, N1 को 1 प्लेस कीजिएगा, जेड को 1 प्लेस कीजिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, कोई एटम नहीं बताएगा तो हाइड्रोजन मानना है। अब आपका हो गया, प्लेस कीजिए, 91 नैनोमीटर आएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा। बोलिए बेटा, ठीक है। कुछ यहाँ बताया नहीं है कौन सा एटम है, तो पहले हम लोग क्लियर कर चुके हैं, जब कोई एटम नहीं बोलेगा तो वो एटम हाइड्रोजन एटम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है H अल्फा फॉर बाल्मर सीरीज इतना, एंड बीटा फॉर बाल्मर सीरीज विल बी। बेटा अब अल्फा क्या है, बीटा क्या है, तो बात को समझो। हम लोग बात किए थे कि अपना जो लाइंस होता है वो लाइन को हम लोग नंबरिंग दे सकते हैं, मतलब फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, बहुत कुछ बोल सकते। तो लेट्स से अपने पास एक बाल्मर सीरीज के लाइंस है, बाल्मर सीरीज के लाइंस है। तो बाल्मर सीरीज में बेटा कहाँ गया, हाँ बाल्मर सीरीज में बेटा इतने सारे लाइंस हो, अच्छा एक नहीं नहीं एक मिनट ये मिस हो गया, एक थोड़ा गलत आ गया, एक मिनट। हाँ आप सही है, समझेंगे बात को। ये बेटा n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ध्यान से समझे बेटा। इसका जो होगा ना, इसको बोला जाएगा फर्स्ट लाइन, और जो इन्फिनिटी वाला होता है ना उसको बोला जाता है लास्ट लाइन। अब फर्स्ट को कितनी बार हम लोग अल्फा भी बोल सकते हैं, ये अल्फा लाइन हो जाएगा अल्फा, ये बीटा लाइन हो जाएगा, ये गामा लाइन हो जाएगा, ये डेल्टा लाइन हो जाएगा। मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ होता है, वैसे ही अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है।
तो आपको बोला है कि अल्फा वाला लाइन जो है, मतलब फर्स्ट लाइन जो है, उसका वेवलेंथ कितना है, कितना है लैम्डा, 650 नैनोमीटर है बेटा, एंगस्ट्रॉम में दिया है हमने, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। याद कीजिए हम लोग जब निकाले थे तो बेटा सिक्स, हाँ हम लोग निकाले थे तो 655 आया था। अरे तो अप्रोक्सीमेशन कर दिया इसने, ठीक है, इसने अप्रोक्सीमेशन कर दिया। आपसे पूछ रहा है कि बीटा लाइन क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। बीटा लाइन निकालने के लिए आपको बेटा रेशियो से निकालना चाहिए, यहाँ क्या बात है समझिएगा। आप चाहे तो बीटा लाइन ऐसे भी निकाल सकते हैं, वन बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते, कोई परेशानी नहीं होगा। तो ये कितना है बेटा, 4 होगा, और ये कितना होगा, 2। प्लेस कीजिए, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर, 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर, हाँ 4 स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 1 बाय लैम्डा आएगा आर एच इंटू बेटा 16 माइनस 4 12 बाई 16, मेरा तो यही आया, बाकी का पता नहीं, 3 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1/RH। RH का वैल्यू कुछ भी हो बेटा, हम लोग को 1/RH का वैल्यू लगता ही नहीं है, हम लोग को कौन सा वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, 1/RH का वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट। RH का वैल्यू तो पता होता है, RH इज इक्वल टू 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, बट RH का वैल्यू तो क्या फायदा है, अरे हम 1 बाय लैम्डा जरूरत है, तो 1 बाय लैम्डा इज 91 नैनोमीटर, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 इंटू 91, मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो देखिए। अच्छा नहीं, 4 बेटा एक मिनट, ये कैसे हुआ यहाँ पे, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, हाँ 3/16 कैसे यार, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा हाँ 12/16 नहीं आएगा, ये देखिए 3/16 आएगा, हाँ 3/16 आएगा, 3/16 आएगा, ठीक है। तो दिस इज 16, थ्री बाय 16 आएगा बेटा, मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया था, 16/3 है, तो इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना आया बेटा, 3 0.3। अब 30.3 को 16 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आ रहा है, सही है बेटा ऑप्शन वन, हाँ 481 आएगा, 480 हमारा आ रहा है, तो ऑप्शन वन बहुत सही है। दीपान्विता, आदित्य सिन्हा, तनीषा, बस दो तीन लोग ही आंसर दिए थे इसका। चलिए आगे बढ़ते,
चलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है ठीक है बेटा, कुछ तूफानी करने वाले हम। कुछ तूफानी होगा। नोट कॉपी निकालिएगा, इसमें नहीं होगा, नोट कॉपी में होगा। नहीं नहीं आप, मैं करा रहा हूँ ना, बोल देना, नोट कॉपी निकालिए, ऐसे तो बोला, तब तो तूफानी होगा बेटा। हाँ चलिए, अब तूफानी स्टार्ट होगा। हम लोग बेटा क्या करेंगे, नोट कॉपी में करना है ठीक है, सबको नोट कॉपी में करेंगे। क्या करेंगे, जब जब लिखना स्टार्ट करना होगा मैं बता दूंगा, अभी समझ लीजिए। हम लोग को पता है नील भोर के मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन परमिसिबल सर्कुलर ऑर्बिट। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन परमिटेड ऑर्बिट दे नाइदर रेडिएट नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी, दीज परमिटेड ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब ये परमिटेड ऑर्बिट है, ये परमिटेड ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है, परमिटेड। यहाँ इसके पास लाइसेंस है गोल 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 घूमने का, इसके अंदर ये नहीं घूम सकता, इसके पास लाइसेंस नहीं है। अगर ये रेड वाले के अंदर घूमेगा तो ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे घूम घूम कर घूम घूम कर घूम घूम कर घूम घूम कर न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। ये बात कौन बोला था बेटा, मैक्सवेल ने हम लोग को समझाया था, मैक्सवेल ने अंकल ने हम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्यों नहीं होगा, अभी के लिए इतना। तो अब ये बताएंगे कि ये वाला अलाउड है, ये अलाउड है और ये नॉट अलाउड है, तो इसके लिए नील भोर ने क्या बोला, बोला कि ये इसीलिए अलाउड है क्योंकि इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। ये बात नील भोर ने कही थी, कैसे कहा था, उनको सपने में आया था, सही में सपने में आया था और बोला था, कोई मैथमेटिकल प्रूफ उन्होंने नहीं दिया था, बस बोल दिया तो बोल दिया। तो Only those orbits are allowed where mvr is equal to nh by 2 pi and this was called quantization of angular momentum, this was called quantization of angular momentum। अब जो बात है कि इसका रेडियस यहां से यहां कितना होगा, परमिटेड ऑर्बिट का रेडियस कहां से कहां तक कितना होगा, अब हम लोग वही निकालेंगे। तो टॉपिक लिखेंगे कैलकुलेशंस कैलकुलेशन ऑफ या डेरिवेशन ऑफ भोर रेडियस, डेरिवेशन ऑफ भोर रेडियस या रेडियस ऑफ भोर्स ऑर्बिट होता है, डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ भोर्स ऑर्बिट। चलिए इसको डिराइव करेंगे, इसको हम लोग डिराइव करेंगे, कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो हम लोगों को रेडियस पता करना है, हम लोगों को रेडियस मालूम करना है। ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ इतना बता रखा है कि mvr is equal to nh by 2 pi, इतना हम लोग को मात्र बोला है, इसी से हम लोग सारा कुछ कर लेंगे, देखते समझते। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज क्लियर है सबको, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज जहां वन इलेक्ट्रॉन होगा, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है,
ये बेटा हीलियम प्लस है, दो प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ये बेटा लिथियम टू प्लस है, दिस इज थ्री प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। सो अगेन दिस इज हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो व्हाट आर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज? दोज स्पीसीज वेयर ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट आर नोन एज हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। नेक्स्ट आप समझेंगे बात, जो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट है दिस इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन का रेडियस बताएगा, मैं बोलूंगा बेटा नाइट्रोजन का नहीं बताएगा। फिर आप बोलेंगे ऑक्सीजन का, नहीं बताएगा। तो किसका बताएगा? नाइट्रोजन 6+ का बताएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 6+ के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन 7+ का बताएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 7+ के पास एक इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये एक चार्ज है नेगेटिव चार्ज, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। What kind of force they are experiencing या they are exerting over each other? Since they are oppositely charged, we know from junior classes that they will attract. Now let's say I have one charge of Q1 over here and another charge of Q2 over here. तो बेटा जिन लोगों को नहीं पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, डरना नहीं है, क्लास 12 में पहला चैप्टर है। जब दो चार्ज होंगे तो फोर्स आपका होता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू, एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/4πε0। ये होता है 11th में एप्सिलॉन नॉट, बेटा बस एक सिंबल है, ये ध्यान रखिए। 12th में सारा चीज आप लोग को क्लियर रहता है, ठीक आप समझिएगा। तो यहां पर भी फोर्स अट्रैक्टिव होगा, यहां पर भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इस अट्रैक्टिव फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? इस अट्रैक्टिव फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगा। कौन बैलेंस करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²r। चलिए यहां तक लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। दो तरह के फोर्स है, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स वी ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। चलिए हो जाएगा तो बता देंगे बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बट
इसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह क्लियर होना चाहिए। ट्वेल्थ में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, हर जगह आएगा ये डेरिवेशन। इलेवेंथ में इसका डेरिवेशन नहीं आता है, बट फिर भी करा दे रहे। चलिए, यहां तक सबको समझ में आया बेटा? चलिए, तो दो फॉर्मूला हम लोग अब लिख लेंगे बगल में। एक फॉर्मूला हो गया फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। Q1 Q2 क्या है? चार्ज। दूसरा फार्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू MV square by R। अब समझो बात को, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है दैट इज फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा ये अपना ऑर्बिट का बेटा डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, ये जहाँ है डिस्टेंस वही है, ये ऑर्बिट का डिस्टेंस फिक्स्ड है। मतलब है बेटा यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इम्प्लाइज दैट MV² / R विल बी इक्वल टू 1/4 πε₀ into Q1 Q2 by R square। ये आएगा, इसमें किसी को परेशानी? सर E0 क्या हो जाएगा? Epsilon। ये जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, वैसे एक एप्सिलॉन है, ये भी एक कांस्टेंट है। जैसे एक कांस्टेंट ऐसा कुछ, जैसे ग्रेविटी है 9.8 m/s² जी लिख देते हैं उसको, वही चीज है। चलिए, ये मास किसका होगा बेटा? ये मास किसका हम लोग को लगाना है यहाँ पर? किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास। बहुत बढ़िया, ये इलेक्ट्रॉन का मास लगेगा, ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का लगेगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ये आर जो है बेटा ये वाला डिस्टेंस है, आर जो है ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ भी वही डिस्टेंस है। Q1/4π 4 का मतलब पता है, पाई का मतलब पता है, एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, हो गया। ये आर मालूम है बेटा, अगेन डिस्टेंस होगा। व्हाट इज Q1 एंड Q2? Q1 इज चार्ज ओवर हियर एंड Q2 इज चार्ज ओवर हियर। उल्टा भी हो सकता था, ये Q1 और वो Q2 हो सकता था। Now what is the value of Q1? Q1 is equal to charge of electron, which is equal to E. यहाँ magnitude लेंगे, E से denote करेंगे। What is Q2? Q2 is charge of क्या बेटा? Proton. नहीं बेटा, nucleus. Proton होगा, बात सही है, nucleus. Now what will be the charge of nucleus? Charge of nucleus will be number of protons multiplied by beta kya? 1.6 10 ka power 19 minus 19 aaya na?
इसका एटॉमिक नंबर हम लोग जेड मान लेते हैं, तो यहां पर चार जेड इंटू ई बटा, गलत है सही है समझ के बताइए। जेड इंटू ई में किसी को परेशानी है सही से देखकर बताइए। सर ये एक बार समझा दीजिए। ठीक बेटा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। Yes. प्रोटॉन बेटा प्रोटॉन का नंबर क्या होता है? प्रोटॉन इज सेम एज इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का नंबर कितना? एटॉमिक नंबर। अब प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? ई नहीं हो सकता है, सोच के बताइए। यस सर, माइनस प्लस नहीं करेंगे, खाली मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन का तो चार्ज होता नहीं है, तो न्यूक्लियस का चार्ज नंबर ऑफ, ये क्या हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहां तक कोई परेशानी बेटा किसी को? बेटा नेगेटिव इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव क्यों है? क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर, इसीलिए। समझ में आया? माइनस का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स। मैंने पहले बोल दिया अट्रैक्टिव, तो माइनस लगाना ही नहीं है। ठीक है, चलो। और फोर्स में माइनस लगा हुआ मतलब डायरेक्शन बता रहा, डायरेक्शन तो मतलब पहले ही बोल दिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऑपोजिट है, इधर अट्रैक्टिव है इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। चलिए अब समझिए, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे, तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू वन क्यू टू को प्लेस कर दीजिए, तो जेड ई डॉट ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर किसी को परेशानी? अब इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए, एक तरफ रेडियस को रखिए और बाकी चीज सब कुछ उस तरफ भेज दीजिए, एक तरफ सिर्फ रेडियस रहेगा क्योंकि हम लोग रेडियस पता कर रहे हैं ना। बहुत बढ़िया, ये आएगा बेटा। यहां पर किसी को डाउट? पूरा कैंसिल नहीं होगा, आर स्क्वायर है, आर है ना बेटा, हाँ एक कट गया तभी तो आ रहा है ना। सबको समझ में आ रहा है बेटा यहाँ पर? चर्चिल बेटा, कुणाल? चलिए बहुत बढ़िया, अब समझेंगे बात को। यहाँ तक होने के बाद अब जरा ध्यान से सोचिए, रेडियस में तो हम लोग को मिल गया रेडियस का फॉर्मूला, सिर्फ एक कमी है रेडियस के फॉर्मूले में, बाकी सारा कुछ हम लोग को समझ में आ गया है। बात यह है क्या अभी कमी है रेडियस में, बाकी सब कुछ हम लोग को समझ में आ गया, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व तो सब सॉल्व। समझो बात,
रेडियस आपका ये आया आर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू जेड ई स्क्वायर बाई मास इंटू वी स्क्वायर। ये मास इलेक्ट्रॉन का है। अब मैंने आपको बोला हाइड्रोजन का थर्ड ऑर्बिट का रेडियस पता कीजिए, तो आपने बोला सर 4 तो 4 होगा, पाई को 3.14 प्लेस करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को तो आप वैल्यू बता दीजिएगा वो प्लेस कर देंगे, जेड को बेटा 1 प्लेस करना है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, ई को 1.6 प्लेस कर देंगे और मास को बेटा 9.10⁻³⁻³ प्लेस कर देंगे। वी को क्या प्लेस करेंगे, सवाल ये आके रुक गया, बाकी सब कुछ हो गया है सवाल, क्योंकि बाकी ये मालूम होता है, ये पता है, ये पता है, ये दिया रहेगा, ये सबको पता है, ये भी सबको पता है, ये तो दिया रहेगा कौन सा एटम में निकालना, ये तो बताएगा। प्रॉब्लम यहाँ फंसा हुआ है, वी डोंट नो रेडियस बिकॉज वी डोंट नो वेलोसिटी। इफ समहाउ दिस अननोन वेलोसिटी इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन तो अपना काम सॉल्व। अब देखो वेलोसिटी कहाँ से लाएंगे, वी नो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2π। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2π। कुछ नहीं दिमाग लगाना। हाँ बेटा हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया प्लेस कर सकते सीधा, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग को अभी मेन प्रॉब्लम वेलोसिटी फंसा रहा गया, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2π। ये तो होना है, अदरवाइज ऑर्बिट में तो घूमेगा नहीं। हमने बोला इस ऑर्बिट में घूम रहा है, अरे कब घूमेगा, जब इस ऑर्बिट का बेटा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2π होगा तब ना घूमेगा, वरना घूमेगा ही नहीं। तो नाउ वी विल से वेलोसिटी इज इक्वल टू एन एच बाय एम इंटू 2πr। अब ये वेलोसिटी स्क्वायर में जाके रख देंगे तो रेडियस विल बी इज इक्वल टू 1/4πε इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू वी स्क्वायर। बड़ा प्रेम से प्लेस कीजिएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम स्क्वायर 4π² आर स्क्वायर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन की बात कर रहे कि डेरिवेशन में बात कर रहे, बिल्कुल सर। बेटा एक्चुअली v इज इक्वल टू v नॉट जेड बाय n जो है ना बेटा, वो भी नहीं पता है ना, क्योंकि अभी तो डेरिवेशन चल रहा है, समझिए बात को। इसके बाद v इज इक्वल टू v नॉट जेड बाय n आएगा, समझे बात को। v इज इक्वल टू v नॉट जेड बाय n आपको मैंने कब पढ़ाया था, रेडियस के बाद पढ़ाया था ना बेटा। हाँ तो रेडियस डिराइव होगा तब वो वाला फॉर्मूला डिराइव होगा, समझे। हाँ बेटा चलिए अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कीजिएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट r इज इक्वल टू 1/4πε इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर पाई स्क्वायर
अरे बहुत परेशान करेगा ये, अगर काट पीट लेते हैं। सर आ रहा है ई नॉट ई एप्सिलॉन नॉट एस पर एस पर बाय जेड स्क्वायर बाय फोर कट गया। अच्छा यस सर फोर फाइव तो आर आएगा जेड स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, फिर ये आर भी कटेगा, इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम। एक मिनट बेटा, पाई रहेगा। अच्छा पाई बचेगा ऊपर, पाई ऊपर जाएगा, आएगा एम जेड ई स्क्वायर पाई। यही आया सबका? चले इतना मेहनत करने के बाद ये आया इतना कॉम्प्लिकेटेड सा एक इक्वेशन। चलिए अब देखिए, अब अपना आर लिखेंगे हम लोग, रेडियस इज इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन पाई एम पाई ई स्क्वायर, एम पाई ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों लिखे? अरे ऐसे इसलिए लिखे है क्योंकि एच का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन का वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है, पाई का पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता है, ये सब का वैल्यू पता है। अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो इसका एक वैल्यू, लिथियम हो, बोरॉन हो, कोई भी एटम क्यों ना, ये वाला वैल्यू हमेशा फिक्स्ड आएगा, ये पूरा वैल्यू फिक्स्ड आ गया। ये चेंज करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए वन प्लेस करेंगे, सेकंड के लिए टू प्लेस करेंगे, थर्ड के लिए थ्री प्लेस करेंगे, हाइड्रोजन के लिए वन प्लेस करेंगे, हीलियम प्लस के लिए टू करेंगे, लिथियम प्लस के लिए लिथियम टू प्लस के लिए थ्री प्लेस करेंगे। तो अब अपना आर हो गया सम कांस्टेंट आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, बस। सबको समझ में आया कैसे डिराइव हुआ? तो R इज इक्वल टू R नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। R नॉट का वैल्यू क्या है? R नॉट का वैल्यू ये है एच स्क्वायर एप्सिलॉन एम पाई ई स्क्वायर। कैलकुलेट करके देखिएगा तो ये आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगा। सबको क्लियर बेटा? यस सर। चलिए बहुत सुंदर। वेलोसिटी का भी ऐसे निकला? अब वेलोसिटी का थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, क्यों निकल जाएगा समझिए। चलिए लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। एक चीज हम लोग को मालूम है, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट nth ऑर्बिट इज एच स्क्वायर
एम पाई ई स्क्वायर था ना, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई ई, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जे, ये आया। हाउ डू वी कैलकुलेट द वेलोसिटी? तो देखो वेलोसिटी के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। अब यहां पर रेडियस को प्लेस करके खत्म करेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एन एच 2 पाई एम इंटू आर, आर को प्लेस कर दीजिए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एन एच 2 पाई एम इंटू आर। व्हाट इज आर? आर इज एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड। बस इतना ही आ रहा ना, यही आया। इतना सिंपल वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी को वी एन लिख सकते हैं फॉर nth ऑर्बिट, मतलब n को यहाँ पर प्लेस कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी भी आ गया। समझ में आया सबको बेटा? चलिए अब बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी की। सर वो वाला दिखाइए नोट कर लेते हैं। सर आज का नोट दे दो। हाँ बेटा, हो गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि वेलोसिटी निकल गया। आप समझो बात को, हम लोग एनर्जी की बात करेंगे। तो बेटा हम लोग बात किए थे पहले पोटेंशियल एनर्जी का, हम लोग बात किए थे जो संता अंकल है या संता बाबू जो है या संता है, ये संता बेटा यहाँ जमीन पर है और ये इसका घर हुआ और ये इसका स्कूल हुआ। अभी यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा
और यहाँ भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। नॉर्मली इसका पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ पर एम जी एच वन लिखोगे और यहाँ पर छत पे चला जाएगा संता तो एम जी एच टू लिखोगे। ये एच टू हो गया और ये एच वन हो गया और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिख दोगे आप। पर हम लोग को पता है बेटा संता को गड्ढे के अंदर डाल देंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी संता का क्या हो गया? नेगेटिव। अगर ये जीरो है तो यहाँ नेगेटिव, तो समझो बात को। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हम लोगों ने जीरो माना है, अज्यूम किया है, हो सके तो यहाँ भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो अज्यूम कर सकते थे। पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमेशा एक रिलेटिव पॉइंट से कैलकुलेट होता है। हम लोग यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे एम जी एच वन इस ग्राउंड के कंपैरिजन में, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच टू इस ग्राउंड के कंपैरिजन में। पर अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेंगे तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच वन, यहाँ पर हो जाएगा एम जी एच वन प्लस एच टू, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड इन विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग। हम लोग यहाँ पे ग्राउंड के रेफरेंस से मेजर करते हैं, बट ध्यान रहे बेटा ग्राउंड से नहीं करना चाहिए। कहाँ से होता है? इन्फिनिटी से कंपेयर होता है। ये अर्थ है, संता का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जीरो माना जाएगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो नहीं होगा। आप बोलेंगे सर हम लोग तो करते हैं, अरे करते हैं बट वो टेक्निकली सही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू होना चाहिए, विथ रेस्पेक्ट टू होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इन्फिनिटी से मेजर होता है। आप समझिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लाइक चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस जो है इन्फिनिटी है, इन्फाइनाइट डिस्टेंस में रिपल्शन होगा नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। आप समझो बात को, दोनों को पास में बुला लिए तो ये लोग आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो जब भी रिपेल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव माना जाएगा। रिपेलिंग बॉडी विल हैव पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। बोलेंगे सर अर्थ को तो हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, अर्थ पे खड़े हैं, हम लोगों ने कभी पोटेंशियल एनर्जी को माना नहीं नेगेटिव। अरे वहाँ नहीं माने थे तभी आप लोग बच्चे थे, ठीक है, अब आगे से ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर ही बेटा डिस्टेंस इन्फिनिटी है, रिपल्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। फिर बात करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे फिर से पोटेंशियल एनर्जी मोर देन पॉजिटिव क्योंकि रिपल्शन हुआ। फिर बात करेंगे ऑपोजिट चार्जेस का, यहाँ फिर से पोटेंशियल एनर्जी जीरो, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लेस देन जीरो, अट्रैक्शन है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, दे आर अट्रैक्टिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। अब बात है इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आराम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है। काम क्या है? गोल गोल घूमना। वो उधर गोल गोल घूम गया है, उसको इधर आना था, ठीक है, वो उधर भाग गया है, भागदा तो नहीं था, भागा उधर, ओके इसको इधर लाऊंगा। चलिए अपनी जगह पे रहेगा वो, ठीक है। आप देखिए ये गोल 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 घूम रहा है,
तो बेटा जब गोल घूमेगा तो इसके पास पहले से पोटेंशियल एनर्जी था जिसका साइन नेगेटिव था, गोल घूमने से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें बेटा डाउट नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, ये बेटा ऐसा सिस्टम है जब एक अट्रैक्टिंग बॉडी के चारों तरफ एक बॉडी घूमेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी विल बी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज विथ अ माइनस साइन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऐसा होता है, ऑपोजिट चार्ज ऑपोजिट साइन है। ये हम लोग को मान लेना है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप लोग कर लीजिएगा, ऐसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर में भी हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपको प्रूव करना है बेटा एनर्जी का फॉर्मूला। तो बेटा टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज टू टाइम्स काइनेटिक एनर्जी प्लस के ई, दिस इज टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई, इसमें किसी को डाउट? आप बोलेंगे सर एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकता है, अरे अट्रैक्टिंग बॉडी होगा और नेगेटिव है मतलब स्टेबल है, अट्रैक्ट कर रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब है पकड़ के रखा उसको। चलिए इसमें किसी को डाउट? चलिए अब ये बताएंगे काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, बेटा अभी अभी हम लोग वी निकाले थे, वी कितना है बेटा देख के बताएंगे, सब कुछ मिला जुला के कितना था? E square 2 epsilon h, E square 2 epsilon h, चलिए E square 2 epsilon h, E square 2 epsilon h into z by n whole square, बस ये h है, ठीक है, दिस इज h, ये जो मेरा h है ना ये n की तरह दिखता है, इसको ठीक करना हो। अब रखिए हो जाएगा आपका काम। अच्छा एक चीज नोटिस की है बेटा, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, कि मास बच गया था, वेलोसिटी के फॉर्मूला में मास नहीं आया, नहीं है ना, हाँ मास नहीं बचा था, वेलोसिटी मास से इंडिपेंडेंट है। हाँ नहीं है, इलेक्ट्रॉन हल्का हो जाए भारी हो जाए, मान लेते इलेक्ट्रॉन कुछ दिन तक बहुत ज़्यादा लॉकडाउन में भरे बैठे बैठे अच्छे अच्छे खाने खाया वजन बढ़ गया तो उसका वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, और उसके बाद मान लेते लॉकडाउन खुलने के बाद इलेक्ट्रॉन डाइटिंग करता है तो भी उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो चाहे इलेक्ट्रॉन वेट गेन करे इलेक्ट्रॉन वेट लूज करे उसका वेलोसिटी सेम रहेगा। चलिए बेटा ये आपका कुछ कुछ आ गया, 1/8 हो जाना है, m e का पावर 4, बाप रे, एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर / n स्क्वायर,
यही तो फॉर्मूला आया था अपना, फिर से वही चीज है बेटा, ये कैलकुलेट कीजिए, ये जो है आपका, इसको अगर आप कीजिएगा तो आपका आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय। अरे वी नॉट नहीं प्लेस करना है, अरे समझो बात को, वी नॉट तो बेटा डिराइव आया है ना बेटा, वी नॉट इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन एम वगैरह है ना बेटा, वी नॉट तो खुद बेचारा ई और एप्सिलॉन में एक्सप्रेस किया हुआ है, उसलिए तो काइनेटिक एनर्जी इतना आ गया तो टोटल एनर्जी माइनस कर दीजिए, हो गया। चलिए आपका एनर्जी का भी डेरिवेशन खत्म करा दिए, हो गया। यस सर। चलिए इसी को भूख तो नहीं लगा है बेटा, अभी मालूम चल जाएगा। हाँ sir, हाँ बेटा sir, हाँ बोलिए बेटा सर, वो फोटो एक लिए कहते हैं सर, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो सर उसका ग्राफ एक बार ड्रॉ कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड ना, यस सर सेम रहेगा बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बात कर रहे होंगे। नहीं सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी एक ग्राफ। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा बेटा। क्यों सेम रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा सर अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ समझिएगा बाबा, इसी में है ना। हाँ इसी में, इस तरीके से समझिए, यहाँ देखिए ये बेटा ग्रीन कलर का लाइट है, ये एमिट हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाला बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकाला। इस ग्रीन कलर की लाइट की जगह बेटा हम लोग ब्लू कलर का लाइट ले लेंगे, इस ग्रीन कलर के जगह बेटा हम लोग ब्लू कलर का लाइट ले लेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए सर ज्यादा हो जाएगा। बस वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। यहाँ देखिए ऊपर से ग्रीन कलर का लाइट है और नीचे से ब्लू कलर का लाइट है, सेम रहेगा ना बेटा। फोटॉन्स बेटा मान लेते हैं, ऐसा चीज को समझिए कि आपने एक घंटे में एक फोटॉन भेजा, एक घंटे में एक फोटॉन भेजा तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, वन आवर में एक आएगा। आपने एक घंटे में पहले ग्रीन फोटॉन भेजा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, फिर आपने एक घंटे के बाद ब्लू इलेक्ट्रॉन भेजा तो फिर से एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ब्लू वाला बेटा दो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना निकालेगा, समझे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहिए, ये नंबर ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी है, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ये कीप ऑन इंक्रीजिंग फिट है, फोटॉन यही रहेगा। देख आपको फ्रीक्वेंसी सिर्फ बढ़ाने से कुछ नहीं होना, ठीक है बेटा। कम टाइम में निकल जाएगा जल्दी से इलेक्ट्रॉन, सही हो सकते वो हो सकता है बेटा, वो अलग चीज है,
ठीक है। सर और वो एब्जॉर्प्शन और एमिशन में सर आप बोले थे कि एक्साइटेड सैंपल का सर वो आप नहीं दिखा सकते। हाँ एक्साइटेड सैंपल का क्या बेटा? सर अगर एक्साइटेड सैंपल जाएगा तो मतलब प्रिज्म से अगर पास हो गए तो कैसा टाइप का वो एब्जॉर्प्शन हो गया या एमिशन? सर वो क्वेश्चन दिए थे सर आप तो। हाँ मैं समझ रहा हूँ आप एब्जॉर्प्शन और एमिशन की बात कर रहे हैं ना। वो हम लोग स्टार्टिंग में ही किए थे ना उसको यस सर। इसमें। द लाइन सेक्शन हाँ ये बात। देखो स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है? एक बल्ब होता है, बल्ब में बैटरी लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कराते हैं, बल्ब ग्लो करता है। बल्ब ग्लो करेगा तो यहाँ से लाइट एमिट होगा, ये लाइट एमिट हुआ। प्रिज्म के अंदर से जब लाइट पास होगा बेटा तो स्प्लिट करता है, स्प्लिट करेगा, और स्प्लिट करने के बाद बेटा आपको ऐसे कलर्स मिलेंगे। हम लोग नॉर्मली 7 बैंड्स बनाते हैं, बट एक्चुअल में 7 बैंड नहीं होता है। रेड से धीरे धीरे चेंज करते हुए पर्पल में आएगा। और आप बोलेंगे सर स्कूलों में पढ़ाया गया, अरे स्कूलों में पढ़ाया गया जाके उनसे फीस वापस मांग लीजिए, ठीक है? गलत पढ़ाया आपको, ठीक है। 7 प्राइमरी बैंड्स हम लोग समझते हैं, लिखने के लिए बोल देते 7 प्राइमरी बैंड्स है, बट एक्चुअल में ऐसा हो, ठीक है? यहाँ से यहाँ पूरा अलग अलग वेवलेंथ आता है, आप समझो बात को। इसी को हम लोग बोले है स्पेक्ट्रम, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक? आप समझिए बात को। हम लोग क्या करेंगे इस बार, ये जो लाइट है ना, ये लाइट बेटा ग्लो किया था, आप समझिए बात। हम लोग क्या करेंगे, लाइट जो आया था पिछली बार बल्ब से आया था, इस बार बल्ब से नहीं लेकर आएंगे। बल्ब को हीट करने से तो लाइट मिला था, इस बार हम लोग क्या करेंगे, अंदर हाइड्रोजन एटम रखेंगे, अंदर हाइड्रोजन एटम रखेंगे, और हाइड्रोजन एटम को बहुत सर बहुत कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं तो बताना सर है ना बेटा, मतलब आप लोग इतना देर से क्यों नहीं दिख रहा है, वही तो चल रहा है। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छा का एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बताना था नहीं ये भी नहीं ये, हाँ ये चलिए यहाँ देखिए, अब दिख रहा है तो। हाँ यस चलिए स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बेटा, हाँ एक बल्ब है, बल्ब ग्लो करेगा तो बल्ब के जो लाइट है बेटा उसको हम लोग प्रिज्म से पास करेंगे। किससे पास करेंगे? प्रिज्म से पास करेंगे। प्रिज्म से जब पास करेंगे बेटा तो लाइट जो है स्प्लिट करेगा, ये बहुत सारे कलर्स में स्प्लिट करेगा। ये नॉर्मली हम लोग 7 कलर में बोलते हैं कि स्प्लिट किया है, बट एक्चुअल में 7 कलर में स्प्लिट नहीं करता है, यहाँ से यहाँ तक करता है, ठीक है? आपको प्राइमरी सेवन यस कलर बोल दिया गया है बट वैसा है नहीं। अब समझो बात को, ये बल्ब से लाइट एमिट हुआ, बल्ब ग्लो किया। बल्ब ग्लो क्यों किया? क्योंकि अंदर सर्किट है और भी कुछ कुछ है। आज ये एलईडी बल्ब है, ठीक है? एडिशन बल्ब अगर लगाते हैं तो सिंपल होता है, एडिशन बल्ब समझते हैं ना, एडिशन बल्ब ये वाला होता है, ये एडिशन बल्ब होता है। एडिशन बल्ब में सर फिलामेंट होता है, ठीक है? तो ये बल्ब क्यों ग्लो करता है? क्योंकि फिलामेंट जो होता है ना एक्सट्रीम हीट हो जाता है। एक्सट्रीम हीट होगा तो हम लोग को पता है, याद रखिएगा, किसी भी चीज को गर्म कीजिएगा तो दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ लाइट। हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, घर के आपके आपके उसमें डेस्क के ऊपर मान लेते हैं कि कोई भी पेंसिल रखा हुआ है, तो पेंसिल अभी लाइट एमिट नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। पेंसिल इज नॉट एमिटिंग लाइट, पेंसिल इज रिफ्लेक्टिंग लाइट, ठीक है? घर के सामने में और भी चम्मच, मतलब घर में मान लीजिए कोई भी स्टील का सामान रखा हुआ है, तो वो बेटा अभी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, एमिट नहीं कर रहा। उस चम्मच को काम कीजिए, ओवन में रख दीजिए, टेम्परेचर बढ़ेगा वो ग्लो करेगा। सन क्यों ग्लो यस करता है? क्योंकि एक्सट्रीम हीट है वहाँ पे, इस कारण से ग्लो करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना हाइड्रोजन एटम का सैंपल ले लेंगे,
यहाँ हाइड्रोजन एटम ले लेंगे, यहाँ से हाई वोल्टेज ऑफ करंट पास करेंगे, ये बेचारा बहुत गर्म हो जाएगा, और जब भी कोई गर्म होता है वो लाइट एमिट करता है, जब भी कोई गर्म होगा ये लाइट एमिट करेगा, तो ये लाइट एमिट करेगा। अब इसके साथ भी हम लोग वही करेंगे, रास्ते में प्रिज्म रख देंगे, इसको भी बोलेंगे लाइट को पास कराओ और लाइट को स्प्लिट करो, तो ये भी लाइट को स्प्लिट कराएगा, प्रिज्म स्प्लिट करेगा। बस अंतर सिर्फ इतना है, इस बार स्प्लिटिंग में उतने सारे कलर्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ ये दिखेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई कलर नहीं, नो कलर, नो कलर, यहाँ से यहाँ तक कोई कलर नहीं, बस इतने सारे वेवलेंथ दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ में आया, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन को गर्म करते हैं, हाइड्रोजन को गर्म करते हैं, चूल्हे में गर्म नहीं करते, ठीक है, हाइड्रोजन को गर्म करने के लिए इसमें करते हैं, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ भरा रहेगा, पूरा एच एटम इसके अंदर फिल किया रहेगा ट्यूबलाइट के अंदर। तो दिस विल बी कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो भी बेटा एमिट कर रहा ना लाइट, तो वो एमिशन होगा या अब्सॉर्प्शन? एमिशन होगा बेटा, ऊपर से नीचे आएगा। हाँ 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 सर, वो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन सर जो मैंने सेंड किया था सर, आप हाफ किए थे सर, क्या क्वेश्चन था बेटा? तो मैं रीसेट करूँ? हाँ कीजिए बेटा। अरे तो अच्छा, उस क्वेश्चन ने बोले थे कि अभी इसका डेरिवेशन नहीं कराया ना बेटा, जल्दी से भेजिए तो। हाँ हाँ देख रहे हैं, स्पेक्ट्रम वाला तो बता दिए थे ना, स्पेक्ट्रम वाला ही नहीं हुआ था। ठीक है भेजिए, हाफ बता दो। ठीक है भेजिए भेजिए भेजिए, देख रहे हैं। बस खत्म होने वाला बेटा। बेटा फिजिक्स का तो प्रमिस है, बताएंगे यहाँ सुनेंगे बेटा, जो आप फोटो भेजे ना बेटा, एग्जैक्टली सेम फोटो तो है बेटा, यही वाला फोटो इधर भेजे है, देखिए यहाँ एक्साइटेड सैंपल लिखा हुआ है, नहीं फिर यहाँ प्रिज्म है, बीच में एक प्लेट से पास करा, ये प्लेट बेटा पोलराइजर होता है, इसका हम लोग कोई काम नहीं है, बस वही चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज है बेटा, देखिए एक्साइटेड सैंपल है, अरे एक्साइटेड सैंपल का मतलब वहाँ हीटेड सैंपल है, समझे? हाँ समझ गए, हीटेड सैंपल है, चल ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा यहाँ तक हुआ है डिस्कशन, अब से हम लोग अगली क्लास में जब भी होगा, हाँ ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, जिस क्वेश्चन से इतना कुछ शुरू हुआ उसको तो देख ही लीजिए, हाँ वापस से आ गए इस क्वेश्चन पे, हाँ अब हो जाएगा बेटा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय, नहीं समझ में आया? बस बस समझ गया आप लोग, आर को नहीं हटाना, देखिए आर को ये लोग बचा लिया है, आर को रख लिया इन्होंने, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर।
पोटेंशियल एनर्जी विल बी अगेन इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है बेटा, क्या था ऊपर, क्या था बेटा, e स्क्वायर बाय टू प्लस h। चलिए इसको घर में करके बताएंगे बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, सोचिएगा। r को बचा लिया, r को प्लेस नहीं कर रहा, हम लोग r को प्लेस कर देते हैं। ये ऐसे बेटा और भी एक तरीका है, सिंपल तरीका, उससे भी कर सकते हैं। एक और फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का एक और फार्मूला होता है, इससे जल्दी हो जाएगा। 1/4πε₀Q1.Q2/r विद माइनस साइन, अगर माइनस साइन लगा देंगे तो इसका आपको मॉडल, ठीक है, ये तुरंत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 होगा। हाँ, तब ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, ये 12th में जो बच्चे रहेंगे उनको मालूम चलेगा। चलिए बेटा, सबको भूख लग रहा होगा, ठीक है। और किसी को डाउट बेटा? हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग ना, मैं अभी अपलोड कर देता हूँ।